देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मद्देनजर हालात बदल रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी हालात खराब बने हुए हैं। और ऐसा ही एक राज्य है, देश का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि वहां के हालातों पर बात हो सके। बहुत स्वागत है आपका प्रमोद सावंत जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं सबसे जरूरी सवाल से शुरुआत करना चाहती हूं और उसका जिक्र आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। गोवा को लेकर कुछ और राज्यों समेत उन्होंने खास तौर से चिंता जताई है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो है यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। और पूरे सावंत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, गोवा को लेकर खासतौर से चिंता इसलिए बनी हुई है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट घट नहीं रही है और पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 1200 केस रोज आ रहे हैं, 1.59% यहां पर मृत्यु दर है, ये जानकारी दी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि आखिर यहां पर हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है और आगे ये सही दिशा में बढ़ सके, लोगों को बचाया जा सके मरने से, इसके लिए प्लान क्या है आप लोगों का? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि गोवा में बिल्कुल कोविड की परिस्थिति सुधर रही है। आज का हमारा रिकवरी रेट 84 पे चला गया है और पॉजिटिविटी का रेट घट के वी हैड कम टू द 32%, जो 51% पे था वो कम होके 32% पे आ गया है और रिकवरी रेट जो 72% पे गया था नाउ इट इज बढ़ के 84 तक आ गया है। जो आज के डेथ पे देखो तो आज के डेथ 30 डेथ्स पूरे स्टेट में हो गई है और मुझे लगता है कि हम हर एक डेथ जो काउंट करते थे, ब्रॉड डेथ भी है उसकी टेस्ट करके काउंट करते थे, लेकिन फिर भी एट प्रेजेंट हमने पूरे प्राइवेट अस्पताल के बेड का भी कंट्रोल ले लिया है। फिर लास्ट फॉर द 4 डेज यानी कोई बेड की प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सभी लोगों को गवर्नमेंट अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल सभी लोगों को बेड मिल रही है। इसलिए डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि एट प्रेजेंट द ग्राफ जो है वो कम हो रहा। लेकिन प्रमोद सावंत जी, जिन अस्पतालों के इंतजाम की आप बात कर रहे हैं उन्हीं अस्पतालों पर तब सवाल खड़ा हो गया जब ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में वहां पर मौतें हुई। सरकार ये कह रही है, आपकी सरकार, कि उनमें से ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से ही मौतें हुई हैं। मौतें चाहे जैसे भी हुई हो लेकिन कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है और उसकी वजह यह है कि अस्पताल में इलाज की कमी थी, अस्पताल में संसाधनों की कमी थी। क्या आपको लगता है कि ये हालात रोके जा सकते थे, इन मौतों को टाला जा सकता था? मैं आपको एक बात सही कहूंगा क्योंकि जी हाँ बिल्कुल एक बात सही है कि 2300 लोगों की मौत कोविड के वास्ते गोवा में हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे दवा की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, इसी की वजह से हुई, ऐसा नहीं है। जो लोग लास्ट स्टेज पे अस्पताल में आते थे, जो लोग एडमिशन करने के लिए बहुत लास्ट स्टेज में आते थे, कोमॉर्बिड होने के वास्ते बार बार कहने पर भी एडमिट न होते थे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के मेडिकल डॉक्टर्स और सभी ने अच्छी तरह से पूरी टीम लगी हुई थी और ट्रीटमेंट करने के लिए और बिल्कुल जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर या जो उन्हें ऑक्सीजन हो या मेडिसिन हो जो सरकार की तरफ से तैयारी हो पूरी तैयारी हमने करी थी और बिल्कुल जब पीक लेवल आया था तब थोड़ा बहुत गोवा मेडिकल कॉलेज में जो बेड फैसिलिटीज थी उससे ज्यादा पेशेंट एडमिट हो गए थे, ये बात सही थी क्योंकि इन पीक लेवल हमारे पास थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन फटाक से हमने हमारा नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चालू कर दिया और वी आर शिफ्टेड that patient from the old medical college to the super specialty hospital or at the same time we have taken over the beds from the private hospital. Peak level थी तब थोड़ा सा ज्यादा load हमारे गोवा medical college पे था। बिल्कुल, ये कदम बहुत अच्छा है और इससे बाकी राज्यों को भी वाकई प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के मरीज हैं उनके इलाज की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले रही है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के मेरा अगला सवाल है सावंत जी, क्योंकि कई राज्यों में वैक्सीनेशन की किल्लत की बात चली और मुख्यमंत्रियों ने खुद आगे आकर बयान दिया, आपकी सरकार ने भी, आपने भी ये कहा कि वैक्सीनेशन की किल्लत है, अभी वैक्सीन ड्राइव शुरू नहीं की जा सकती है जब तक कि सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध ना हो। अभी क्या स्थिति है गोवा के अंदर, कितने वैक्सीन का आप लोगों ने ऑर्डर दिया है और कब तक उसकी सप्लाई होगी और कब तक हम माने कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पड़ेगी?
अबाउट 45 एज ग्रुप का जो वैक्सीनेशन है ये प्रोग्राम गोवा में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मैक्सिमम वी आर अप टू द 70% लोगों ने फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज जो अबाउट 45 एज ग्रुप का है उन लोगों ने ले लिया है गोवा में। तो 30% जो लोग बाकी है इनका वैक्सीनेशन हम करने में जुड़े हैं और मुझे लगता है आगे आने वाले महीने डेढ़ दो महीने के अंतर्गत अबाउट 45 एज ग्रुप द फर्स्ट डोज 100% विल कम्प्लीट और उसका प्रोग्राम ठीक से चल रहा है। लेकिन किल्लत है और कमी है वो सिर्फ 18-45 एज ग्रुप के वैक्सीनेशन में जिन ओनली द 32,000 ऑफ द वैक्सीनेशन हमें मिली है और उसी का प्रोग्राम हमने चालू किया है। लेकिन हमें एक बार हमने प्राइवेटली ग्लोबल टेंडर भी फॉर्म करने के हम ग्लोबल टेंडर मंगाने के लिए भी वी हैव आस्किंग फॉर और इवन दो वी आर आस्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बार हमें 18-45 एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन मिले तो विद इन दो महीने के अंतर्गत हम वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में हमारे पास अवेलेबल है और जितने जल्दी हमें वैक्सीनेशन मिले उतने जल्दी हम पूरी वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब एक अगर अंदाजे से आप बता सकें कि कब तक ये किल्लत पूरी हो जाएगी, आपका आकलन क्या कहता है जो केंद्र सरकार से बात हुई है और जो कंपनियों से बात हुई है? केंद्र सरकार और जो कंपनियों से हमारी बात कंटिन्यूअसली चल रही है लेकिन देखिए हमारी कोशिश है विद इन मंथ हम पूरी वैक्सीनेशन हमने 5 लाख के ऑर्डर प्राइवेट कंपनी से भी डाली है लेकिन अब तक उनसे रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला है। लेकिन हमारे अदर सोर्सेज से भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट कंपनी से बात चल रही है। मुझे लगता है कि विद इन मंथ विल गेट द वैक्सीनेशन विल स्टार्ट द प्रोग्राम एज सून एज वी गॉट द वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कितने कितने ऑर्डर्स आपने दिए हैं अगर डिटेल में आप बता सकें प्रमोद सावंत जी? मैंने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों को हमने एक्चुअली सीरम इंस्टीट्यूट को पहले हमने 10 लाख की वैक्सीनेशन के ऑर्डर दी थी और फिर से भारत बायोटेक को भी 5 लाख की वैक्सीनेशन के ऑर्डर हम दे चुके। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीन मिल जाती है दो महीने के अंदर वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसे तेज करके ज्यादातर लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। एक और बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है वो है ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर, इसका जिक्र भी आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया है और खास तौर से गोवा का जिक्र इसमें भी आया है क्योंकि गोवा मेडिकल कॉलेज में भी ब्लैक फंगस के मरीज हैं और कुछ मौतें भी हुई हैं। आपने जानकारी इकट्ठा की होगी कितने मरीज अभी गोवा में हैं और क्या इंतजाम है इसको लेकर, अगर ब्लैक फंगस के मरीज और बढ़ते हैं तो किस तरीके से उनके इलाज की व्यवस्था होगी? ब्लैक फंगस के मरीज अभी तक गोवा में 6 पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड हैं, उसमें से 2 पेशेंट्स की मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस के वजह से लेकिन दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कोविड, दोनों कंबाइंड था और उसी के लिए उनकी मौत हो चुकी है और बाकी पेशेंट्स की हम ठीक तरह से केयर गोवा मेडिकल कॉलेज में ले रहे हैं। लेकिन फॉर द ब्लैक फंगस के लिए हमने अलग से कमिटी फॉर्म की है, वो आर द एक्सपर्ट्स इन द ब्लैक फंगस, जो जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में उनकी कमिटी फॉर्म करके दे आर डूइंग द स्टडी ऑन दैट और डेफिनेटली वी आर कमिंग अप विद सेपरेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और उनको जो जो उसके बारे में जो प्रिकॉशन दे सकते हैं अवेयरनेस कर सकते हैं इसके बारे में वो करने की वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, ब्लैक फंगस की जो दवाई है उसको लेकर की भी बहुत चर्चा है क्योंकि उसकी कालाबाजारी की वजह से वो दवाई अस्पतालों तक आम लोगों तक मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। कई राज्यों ने इसकी शिकायत की है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हम कैसे इलाज करें ब्लैक फंगस के मरीजों का, तो ऐसे में कालाबाजारी को रोकने के लिए और इस समस्या को खत्म करने के लिए आप लोगों का क्या एक्शन प्लान है? एट प्रेजेंट तो गोवा में ऐसी कोई कालाबाजारी नहीं है, हमारे डायरेक्टर ऑफ द फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे आर टेकिंग केयर ऑफ और सफिशियंट स्टॉक ऑफ द मेडिसिन फॉर द ब्लैक फंगस व्हिच इज अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा। हर अस्पताल में सफिशियंट दवाई मौजूद है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आप ये कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब ऑक्सीजन को लेकर की बहुत बात हुई है प्रमोद सावंत जी और वहां पर सियासत भी चल रही है, आप लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हो रही हैं तो ये ठीक नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑक्सीजन प्लांट्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द इंस्टॉल करना चाहिए एक ऐसे वक्त में जब थर्ड वेव की बात हो रही है और थर्ड वेव में बच्चे बहुत ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, तैयारियों को युद्ध स्तर पर बढ़ाना जरूरी है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी आगे चल के ना हो, बेड्स की कमी ना हो, थर्ड वेव के मद्देनजर क्या तैयारियां आप लोगों की? मुझे लगता है कि अपोजिशन इस पैंडेमिक में भी पॉलिटिक्स करने में जुड़े हुए हैं लेकिन मैं सरकार की तरफ से इतना कहूंगा
कि द सेकेंड स्टेज में जो जो ऑक्सीजन चाहिए था उसके, हाँ जी हाँ बिल्कुल, वन के ओल्ड गोवा मेडिकल कॉलेज में हमारे पास एलएमओ नहीं था क्योंकि एलएमओ की टैंक नहीं थी, ये मैं मान्य करता हूँ, लेकिन सुपर स्पेशलिटी में हमारे पास एलएमओ का टैंक पहले से था, वो हमने फिल कर दिया। हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन साउथ गोवा में हमें एलएमओ का टैंक चालू कर दिया है, और विद इन अ शॉर्ट स्पैन विद इन द 8 डेज जब हमें पता चला कि दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी रिक्वायर्ड इन अवर ओल्ड गोवा मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, हमें एक रिक्विजिट करके जो ओल्ड टैंक जो फैक्ट्री में गोवा में लगी थी वहां की 20,000 की टैंक हमें रिक्विजिट करके वहां पे भी लगा दी, और ऑक्सीजन जो हमें चाहिए था कि थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्हें हमें एक्चुअली फर्स्ट पहला एलोकेशन 21 मेट्रिक टन था, उसके बाद में हमें 46 मेट्रिक टन एलोकेशन हो गया है, और अभी एबंडन हमारे यहाँ के भी प्लांट हमने सभी प्लांट चालू कर दिए हैं, अभी एक्सेस ऑक्सीजन वैसे हमारे पास अवेलेबल भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें एलोकेट भी कर दिए हैं, इसलिए ऑक्सीजन मात्रा की कोई कमी स्टेट में नहीं रही। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है, और इससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आप अलग अलग भूमिकाओं में दिखे हैं और कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप अस्पतालों में न सिर्फ पहुंचे, मरीजों से बातचीत की और कई बार आपकी फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर देखी भी गई, क्या इसी तरह का रवैया और पॉलिटिशियंस का होना चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा था पिछले दिनों कि चाणक्य नीति यही कहती है कि अगर काम करना है तो पॉलिटिशियंस को, मंत्रियों को जाना पड़ेगा लोगों के बीच में, उनका हालचाल लेना पड़ेगा। क्या आप इस मंच से कहना चाहेंगे कि और भी लोगों को आगे आना चाहिए, पॉलिटिशियंस को आगे आना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए? मैं इतना जरूर कहूंगा कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर होने की वजह से मैं खुद मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, पेशेंट का दर्द मैं खुद समझता हूँ, और इसीलिए तो जब मैंने हाई लेवल पे पैंडेमिक पहुंच गया तो मैं खुद मैंने पीपी किट पहन के मैं अस्पताल में गया, उनकी जो दुख था वो उनका दर्द था मैंने समझा, मैंने डॉक्टर से बात की, नर्सिस से बात की, पेशेंट्स के रिलेटिव्स के साथ बात की, तभी यानी जो कुछ कमियां रहती थी वो अंदर जाने के बाद ही कभी कभी पता चलती है, और तभी जाके उनके जितने सारे प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व करने में मैं कंटिन्यूसली मेरा एफर्ट्स बना रहा, और डेफिनेटली आगे मैं कहूंगा कि जब तक वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इट, हमें जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम सब प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करने पड़ते, इसलिए जब मेडिकल फैकल्टी के डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल तक सबसे बात करके और इवन दो विद द पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स इससे बात करके इस सब कुछ उनका समस्या का निवारण हम कर सकते हैं, इसलिए बीइंग अ सीएम आई एम ऑल्सो इन बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स, ये सब कुछ मैं जान लेता हूँ और समस्या रिजॉल्व करता हूँ, डेफिनेटली मेरी यही रहेगी कि इसी तरह से इनिशिएटिव लेके सभी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किया जाए तो वी कैन थर्ड वेव के बारे में भी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, और गोवा में हमने ऑलरेडी टास्क फोर्स कमेटी थर्ड वेव के बारे में कमिट कर लिया अंडर द माई चेयरमैनशिप, और स्पेशल कमेटी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इवन द पीडियाट्रिशियन प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन एपिडेमियोलॉजिस्ट प्राइवेट सेक्टर्स के जो एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं इनकी कमिटी बिठा के इनके बीच में डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट किया है और थर्ड वेव को टैकल करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर दी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से लोगों के बीच गए और उनका हालचाल लिया वैसे ही आगे भी आप और आपके मंत्री जमीन पर जाते रहेंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि समस्या तभी पता चलती है जब जमीन पर जाया जाए, लोगों के बीच जाया जाए, और उसके बाद ही उसका समाधान हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका सर, प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।